नमस्कार दोस्तों, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं कि जुलाई के महीने में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी फ्रांस जाने वाले हैं। पूरा मामला जानने से पहले मैं आपको इंडिया और फ्रांस के रिलेशनशिप के बारे में बता दूं कि फ्रांस इंडिया में न्यूक्लियर पावर बनाने वाला है। साथ ही फ्रांस उन चुनिंदा कंट्रीज में से एक है जो पाकिस्तान द्वारा फैलाए जा रहे आतंकवाद पर खुलकर भारत का समर्थन करता है। तो मामला ये है कि जिस तरह हम लोग 15 अगस्त को नेशनल डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, उसी तरह फ्रांस हर 14 जुलाई को नेशनल डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, जिसे ये लोग बास्टिल डे कहते हैं, क्योंकि इसी दिन से फ्रेंच क्रांति की शुरुआत मानी गई। फ्रांस एक ऐसी कंट्री है जो अपने नेशनल डे पर बहुत कम बार किसी दूसरी कंट्री के लीडर को इनवाइट करता है। पिछली बार इन्होंने 2010 में भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अपनी नेशनल परेड के लिए इन्वाइट किया था, और इस साल की परेड अटेंड करने के लिए फ्रांस ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन्वाइट तो किया ही है, साथ ही इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स को भी एक्सरसाइज ज्वाइन करने के लिए इन्वाइट किया। जुलाई के महीने में होने वाली भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस विजिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस विजिट के बाद इंडिया फ्रांस से 40 के करीब राफेल फाइटर जेट परचेज करने के लिए डील करने वाला है। फ्रांस द्वारा मिले इस गेस्ट ऑफ ऑनर के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें। और यदि आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। जय हिंद।